हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि दिस दैट दिस दोस बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे वर्कशीट तैयार करके देंगे इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिस की हिंदी क्या होती है? यह या ये, और दैट की वह या वो। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। ये क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म हो गया दिस दैट। और दिस का मतलब होता है ये सभी, और दोस्त का मतलब होता है वो सभी। तो दिस का यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ जो है हमारे पास में होती है, जैसे दिस इज़ अ बैट, तो इसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब कोई चीज़ या वस्तु हमारे से दूर रहती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे से दूर होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दैट का। जैसे कोई बुक जब हमारे से दूर रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे दैट इज़ अ बुक। ठीक है, और जब वही बुक हमारे पास रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ बुक। ठीक है, और यहाँ याद ये रखना है हमें कि दिस और दैट के साथ हमेशा यूज़ इज़ का यूज होता है, आई एस इज का यूज होता है। ठीक है, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म, मैंने बताया। जब दिस का हो गया पास के अर्थ में, दैट का हो गया दूर के अर्थ में हमें यूज़ करना है। और अब दिस दोस्त की अगर बात करें, तो दीज हो गया प्लूरल फॉर्म। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज, ये सभी। दैट का प्लूरल फॉर्म दोस, वो सभी। तो जब बहुत सारी चीज़ें हमसे हमारे पास रखी हुई हैं, जैसे बहुत सारे पेन जो है, कलम जो है हमारे पास है, ठीक है, तो हम कहेंगे दीज आर पेन्स। यहाँ आर का यूज होगा। और जब बहुत सारे पेन हमसे दूर रखे हुए और हमें कहना है कि वो सभी पेन हैं, तो हम कहेंगे दोज आर पेन्स। अब इसके लिए हम वर्कशीट कैसे तैयार करें, तो सबसे पहले दिस की बात करती हूँ मैं। ठीक है, दिस के लिए कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे इसकी वर्कशीट तैयार की जाए, जिससे कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने लगे। ओके, अब जैसे देखिए, यहाँ पर दिस इज अ पेन, ये मैंने पास में फोटो बना दिया। ठीक है, पेन का फोटो बना दिया और लिख दिया दिस इज अ पेन। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सेम बन इस तरह से लिखना है और फोटोज बनाना है। ठीक है, अब ड्राइंग कैसी भी हो, ड्राइंग अगर आपको नहीं बनाने आती है, तो आप जैसी भी बनाए ड्राइंग, बच्चों को जरूर बता दे कि हाँ ये पेन है, ये बॉल है। ठीक है, इस तरह से बच्चे तो समझ जाएं कि हाँ मम्मी ने इस तरह की ड्राइंग बनाई है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। और ये है बॉल, इस तरह से मैंने पास में बना दिया है, फिर लिख दिया दिस इज अ बॉल, दिस इज अ ट्री। और इसके साथ ही ए जरूर लगाना है, जब भी दिस का यूज करेंगे तो ए जरूर लगाना है। याद रखना है दिस के साथ इस का यूज होगा और ए। ठीक है, अब बच्चों को इस तरह से आप दे दीजिएगा ड्राइंग बना करके, और यहाँ पर फील करना है बच्चों को, फिर इज अ बुक। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो दिस आपने दिस का भी हम लेकर के चल रहे हैं, तो दिस भरेंगे बच्चे, दिस इज अ बुक, दिस इज अ कप, फिर दिस इज एन आइसक्रीम। अब यहाँ एन क्यों लगा, तो यहाँ तो वोवेल का आ जा रहा है कि यहाँ पर आइसक्रीम में आई है जो कि वोवेल है, इसलिए यहाँ पर ए की जगह एन का यूज हुआ है। दोनों का मतलब सेम ही होता है एक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई वोवेल है, इस यहाँ पर ए एन एन लग गया है, और यहाँ पर वोवेल नहीं है, देखिए ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज नहीं हुआ, ए का यूज हुआ है। तो दिस इज एन आइसक्रीम। अब वही चीज, ये चीज़ तो चलिए पास में है, इसलिए दिस का यूज हो रहा है, लेकिन अगर यही सब चीज़ें हमसे दूर रखी हुई हैं, तो क्या यूज होगा, दैट का यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए, दैट इज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है, यहाँ पर अगर आप ना हो तो एक साइन दे दे इस तरह से, एरो बना दे, और इससे पता चलेगा कि ये दूर है, दूर रखा हुआ है। ठीक है, इसे बच्चे जल्दी कैच कर पाएंगे। तो दैट इज एन अम्ब्रेला, वह एक छाता है। यहाँ पर वोवेल है यू, वोवेल पांच होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये पता होगा आपको, ना तो बच्चों को बता दे, वोवेल ए ई आई ओ यू पांच होते हैं, यहाँ पर वोवेल यू है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है, तो दैट इज एन अम्ब्रेला। उसी तरह यहाँ कैप दूर है, ठीक है, दूर है इस तरह से, तो दैट इज अ कैप, दैट इज अ कैप। उसी तरह फिश दूर है रखी हुई, तो दैट इज अ फिश, इस तरह से बच्चों को बताएं। उसके बाद फिर आप फील करने के लिए दें, जैसे मैंने काइट बना दिया दूर, तो दैट इज अ काइट,
यहाँ पर क्या यूज होगा, दैट इज अ काइट, फिर दैट इज अ कार, उसी तरह यहाँ पर दैट इज अ बैट। इस तरह से बच्चे दूर और पास को देखते हुए दिस दैट का यूज़ करेंगे। तो बच्चों को ये अच्छे से समझा देना है कि जब कोई चीज़ें हमारे पास होती हैं तो उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो हम दैट का यूज़ करेंगे। आप एक पेन रख ले अपने पास में, चाहे एक बुक, कुछ भी चीज़ रख ले, और बच्चों को क्लियरली बताएं कि देखो ये मेरे पास है तो क्या इसे बोलेंगे, जैसे ये पेन मेरे पास है तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेन। अब वही दूर रखी हुई है पेन तो दैट इज अ पेन। इस तरह से आप बच्चों को बताएं। अब जब बच्चे दिस दैट का यूज़ समझ लें, ठीक है, तो आप क्वेश्चन करके, क्वेश्चन लिख करके भी इस तरह से आप उन्हें समझा सकती हैं कि जिससे उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर मैंने फिर फोटो बना दिया काइट का, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, तो लिख दिया दिस इज़ अ काइट, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये एक दो आप इस तरह से लिख करके दे दें, उसके बाद फिर आप क्या करें कि बस ड्राइंग बना दें और लिख दें व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, ओके, क्वेश्चन मार्क रहेगा व्हाट इज दिस, तो बच्चे क्या लिखेंगे, दिस इज अ मून, दिस इज अ मून। अब यहाँ ए का ज़रूर यूज़ करना है, ए या फिर एन, जहाँ वोवेल हो वहाँ एन लगाना है, जहाँ वोवेल नहीं है वहाँ ए लगाना है, तो दिस इज अ मून। फिर उसी तरह यहाँ पर है व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, तो बच्चे क्या लिखेंगे, ड्राइंग देख करके लिखेंगे दिस इज अ सन। अब उसी तरह यहाँ पर है व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ बॉक्स। दिस दैट को अच्छे से समझाने के बाद अब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस इस तरह से बना करके दे उन्हें, दिस का उसके बाद फिर दैट का, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज दैट, यहाँ पर मैंने हार्ट का फोटो बना दिया है, तो दैट इज अ हार्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। उसी तरह अब ये है व्हाट इज दैट, यहाँ पर मैंने दूर में बना दिया, आप इस तरह से एरो से भी इंडिकेट कर सकते हैं, तो दैट इज अ बॉल। फिर ये व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ मून, फुल स्टॉप दे देना है। फिर व्हाट इज दैट, तो दैट इज एन आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम में आई रहता है इसलिए दैट इज एन आइसक्रीम हो जाएगा। जब बच्चे दिस दैट का अच्छी तरह से यूज समझ में आ जाए, उन्हें अच्छे से क्लियरली समझने लगे, तो उसके बाद आप दोनों को मिक्स करके दीजिए उन्हें बनाने के लिए, जिससे आप भी समझ में आ जाए आपके भी कि हाँ अब बच्चे अच्छे से समझ गए हैं, इसलिए दिस दैट को मिक्स करके दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए ट्री पास में बना दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज अ ट्री, फिर यहाँ पर ये दूर है, ठीक है, तो दैट इज अ फ्लावर हो जाएगा। उसी तरह आप ऐसे दूर वाले फोटोज़ को एरो से इंडिकेट करते हैं और पास वाले फोटोज़ को ऐसे ही रहने दें, ठीक है, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि दूर है। फिर ये भी है दैट इज़ अ हट, फिर ये देखिए बॉल पास में है, तो दिस इज अ बॉल, यहाँ कप भी पास में है, तो दिस इज अ कप। अब आते हैं दीज पर, तो दीज का यूज़ कहाँ करते हैं, टी एच ई एस ई दीज, दीज मतलब बहुत सारे जब ऑब्जेक्ट रहते हैं, बहुत सारे जब चीज़ें रहती हैं हमारे पास रखी हुई, तब वहाँ पर दीज का यूज़ करते हैं। जैसे आप बहुत सारे पेड़ के पास खड़ी हैं, ठीक है, और आप बच्चे को बताइएगा कि दीज आर ट्रीज, ठीक है, क्या बताइएगा, दीज आर ट्रीज। अब वही जब ट्री जब दूर होते हैं तब वहाँ पर यूज़ करना है दोज का, ठीक है, वो मैं आगे बताऊँगी। तो दीज आर ट्रीज, ट्रीज में यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि प्लूरल हो जा रहे हैं, बहुत सारे हैं ट्री इसलिए, और आर का यूज होता है, ठीक है। जहाँ पर जब मैं दिस दैट की बात कर रही थी तो वहाँ पर इस का यूज हो रहा था, आई एस इज, पर दीज और दोज के साथ हमेशा ही आर का यूज होता है, और आर का यूज होगा तो ए या फिर एन का यूज होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमें बच्चों को अच्छे से समझाना है। अब उसी तरह बॉल पास में हमारे बहुत सारे बॉल हैं, तो दीज आर बॉल्स। अब ये तो आपने बता दिया और ये बच्चों को फील करने के लिए आपको देना है, दीज यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चे, दीज दीज आर आइसक्रीम, ठीक है, यहाँ पर एस लग जाएगा। उसी तरह यहाँ पर फैंस हैं बहुत सारे, एफ एन एस, तो दीज आर फैंस, ये हो जाएगा। उसी तरह दोस्त का भी बताएंगे, दोस्त के लिए देखिए, दोस्त के लिए जो हमारे जो ऑब्जेक्ट है कोई भी चीज जो है वो दूर रखी हुई है,
तो दोज आर बॉल्स, उसी तरह से दोज आर फ्लावर्स क्योंकि ये दूर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बच्चे भरेंगे टी एच ओ एस ई, दोज आर बॉक्सेस, दोज आर पेन्स, ठीक है। पेन में एस मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें एस या ई एस लगेगा जैसे लगाया जाता है, और यहाँ पर दोज बस जब कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो दोज, जब पास में है बहुत सारी चीजें तो दीज, इस बात का ख्याल रखना है और ऐसे बच्चों को बताना है। अब उसी तरह से सेम जैसे वहां पर मैंने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस दिए थे दिस दैट में, उसी तरह से यहाँ पर भी दिस दोज में भी हमें देना है। जैसे व्हाट आर दिस, यहाँ पर फ्लावर पास में है तो दीज आर फ्लावर्स, ठीक है। उसी तरह से आपको लिख देना है दूसरे में व्हाट आर दिस, और दे देना कोई भी जो आपको ड्राइंग बनाने आती है, और ड्राइंग ना बने तो बच्चों को जरूर बताना है कि हाँ इस चीज की मैंने ड्राइंग बनाई है, अगर आपसे ड्राइंग अच्छी ना बने तब। तो व्हाट आर दिस, तो दीज आर आइसक्रीम्स। अब देखिए यहाँ पर मैं दोज का बता रही हूँ, वस्तुएं क्या है ऑब्जेक्ट दूर में है, तो दोज आर हर्ट्स। उसी तरह से व्हाट आर दोज आर एप्पल्स। अगर दिस दैट दीज दोज का बच्चे कॉन्सेप्ट अभी भी ना समझ पाए तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप चारों चीज को दिस दैट दिस दोज को एक साथ लिख दें, उसके बाद आप बच्चों को बताएं तो बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने पेन पास में बना दिया, पेन की ड्राइंग कर दी, तो दिस इज अ पेन, ठीक है। अब वही पेन मैंने दूर रख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये बच्चों को बताना है आपको, ठीक है। दूर रख दिया तो दैट इज अ पेन, उसी तरह पेन बहुत सारे आ गए, अब बहुत सारे पेन पास में आ गए तो क्या हो जाएगा, दीज आर पेन्स, ठीक है। आर लग गए यहाँ पर, अब यही बहुत सारे पेन जो है वो दूर चले गए तो फिर क्या हो जाएगा, दोज आर पेन्स। इस तरह से आप बच्चों को बताएं, अगर पहले में वो क्लियर ना कर पाए तो इस तरह से बच्चों को बताकर देखिए, वो समझ जाएंगे। अब जब सारा क्लियर हो जाए, वो अच्छे से समझ जाए, तो आप एक वर्कशीट ये भी बना के दे सकती है जिसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप उसे बना के दे सकते हैं। जैसे इज दिस अ बेड, क्वेश्चन पूछना है हमें, यहाँ मैंने बेड की ड्राइंग बना दी, इज दिस अ बेड, तो बच्चे क्या लिखेंगे, यस, फिर कॉमा जरूर रहेगा, यस दिस इज अ बेड, फुल स्टॉप, ठीक है। उसी तरह फिर इज दिस अ मून, क्वेश्चन मार्क, तो अगर नहीं है मून, ये सन है मून तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे बच्चे, नो दिस इज नॉट अ मून, फुल स्टॉप, दिस इज अ सन। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे एक ही बार में इतना कैच कर पाए, बच्चे की कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो आप एक काम और कर सकती हैं, ये कि ये चीज आपको लिख देना है, बच्चे केवल यस या फिर नो लिखेंगे, ठीक है। आपको ये लिख देना है और बच्चे क्या लिखेंगे, यस, और कॉमा देंगे। अब अगर बच्चे अच्छे से समझ गए हैं, वो लिख सकते हैं, तब आप फिर उन्हें दूसरे स्टेप में ये लिखने के लिए दें, पूरे सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी आप ये सेंटेंस दे दें और बच्चे क्या लिखेंगे, यस या फिर नो, और दूसरे स्टेप में फिर पूरा सेंटेंस। तो इस तरह से आप वर्कशीट बना करके दें। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हो। अगर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन जिन्होंने नहीं दबाया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ बच्चों के लिए लाते रहती हूँ। और हाँ, मैं 6-7 क्लास का मैथ का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।